नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। सर्वप्रथम खेद प्रकाश के विलंब हुआ थोड़ा सा आरंभ करने में, कुछ तकनीकी कारणवश। आज हमारे साथ हैं कर्नल आरएसएन सिंह जी, जो इंडियन आर्मी में भी रहे हैं, रॉ में भी रहे हैं, और आपका मणिपुर के बारे में एक अच्छा अधिकार है और जानकारी है। आपका स्वागत है आरएसएन सिंह जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। इस समय मणिपुर में बड़ी हिंसा हो रही है। पहले भी एक लंबा वहाँ पर हिंसा का एक कार्यकाल देखा गया था, एक दशक से अधिक का। उसके बाद संभवतः 2018 में शांति हुई थी, और पहले तो वहाँ बहुत लंबे समय तक AFSPA लगा हुआ था। फिर अभी कुछ दिनों पहले AFSPA हटाया गया, और ये दोबारा ये जो हिंसा हुई है, इसका जो तात्कालिक कारण तो बताते हैं कि साहब वो कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन निश्चित ही ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। इसके पीछे क्या गहराइयां हैं, क्या साजिशें हैं, और क्या अराष्ट्रीय तत्व हैं, आप कृपया थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। संजय साहब, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए, मैं आपका आभारी हूँ। और शुरुआत में इसी बात से कहूँगा कि आज पूरी दुनिया में आप कलह देख रहे हैं, और ये कलह राजनीतिक कारणों से नहीं है, ये मजहबी कारणों से ये कलह है। यूरोप जल रहा है, आप देख रहे हैं कि वहां, अगर आप इसको मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन कहें तो वो, या क्रिश्चियन ना भी कहें तो मुस्लिम्स वर्सेस वेस्ट की इसको आप व्याख्या दे सकते हैं। और हमारे संदर्भ में हम तो दोनों का प्रहार झेल रहे हैं साहब, जिसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप कहते हैं। मुझे इस बात में कोई कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन अपने क्रिसेंडो पे जा रहा है, और हम पर दोनों का प्रहार है। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इसको आप इसी परिप्रेक्ष्य में देखें। और दूसरी बात क्या है कि इसमें हर तरह के हथकंडे, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा क्योंकि ये दिल में बड़ी एक दर्द सी है आज जो भी घटना घटी है आजकल में, कि देखिए साहब, ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करना केवल फौज का काम नहीं है, कि यहाँ की व्यवस्था का काम नहीं है, लेकिन वो जुडिशियरी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो आप जब 370 के बारे में आप कुछ ऐसे उल्टी सीधी, और जब इतने महीनों बाद आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने का निर्णय लेते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत आक्रोश है लोगों में, और इसका इसका परिणाम जो भी हो मैं वो नहीं जानता। लेकिन एक चीज मैं जरूर बता देना चाहूंगा अपने माननीय हायर जुडिशरी से, कि देखिए, देश का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सर्वोपरि है, और जो हमारे अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब भी अभी वैष्णो देवी का दर्शन करके आए हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये 370 नहीं हटता तो आप तो जाते तो, लेकिन इतनी आसानी नहीं होती। और अमरनाथ यात्रा तो बिल्कुल मतलब बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। तो इस जो भी ये वातावरण, जो इंटेग्रिटी और जो कंट्री का जो सॉवरेनिटी है, ये इस अगर इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी अगर इस कंट्री का नहीं होगा तो आप भी इतनी इतना अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, फिर आप भी कोई और भाषा बोलने में मजबूर हो जाएंगे। तो मैं इसी संदर्भ में मणिपुर से शुरू करता हूँ। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको, इसमें एक मजहबी परिपेक्ष आप जरूर देखें। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और आज देखिए स्टेट ऑफ मणिपुर या सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, लेकिन कुकी कुकीज के तरफ से एक गोंसाल्विस थे। आर द कुकीज पार्ट ऑफ द स्टेट? और मैं गोंसाल्विस साहब की पृष्ठभूमि पे नहीं जाऊंगा, बाकी लोग देख लें। जी उसके हेलो। साथ खड़े रहते हैं। जी, तो मैं उनकी पृष्ठभूमि पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अपने आप में जो मैं कह रहा हूं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देता है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप दिल्ली मणिपुर की लड़ाई दिल्ली में भी मजहबी तौर पे एक तरह से कर रहे हैं। अब गोंसाल्वे साहब ने कहा कि कुकी मृतकों की संख्या 10 से बढ़कर 110 हो गई है। उन्होंने केवल कुकी पर फोकस किया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ऐसे बयान जब आप देते हैं तो ये इससे दूसरा पक्ष जो है उसको कोई सांत्वना मिलती हो या उसको कोई संतुष्टि मिलती हो या उसको कोई राहत मिलती हो। और मैं आपको बता दूं दीक्षित साहब, आज से कोई आई थिंक इट वाज द ईयर वाज 1996 की बात है, मैं उस समय सरकार में था और मैं उस इलाके से डील कर रहा था वहां, और वो जो बर्मा म्यांमार के साथ। और मुझे स्मरण है कि मुझे मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह है कहा गया कि दीमापुर से मोरे, मोरे इज ऑन मणिपुर जी, मैं गया हूँ वहाँ। म्यांमार बॉर्डर। हाँ, तो उसमें कहा कि भाई दीमापुर से एक ट्रक अगर मोरे के लिए जाती है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, तो अगर आप खर्च का आकलन करें तो सही होगा 9,000 रुपये। ये मैं 1996 की बात कर रहा हूँ। और लेकिन कोई बीच में 42 चेक पोस्ट आते हैं, चेक पोस्ट कहें बाधाएं कहें, उसमें दो चार सरकार की होती होंगी बाकी सारे अवैध। तो हर जो इंसर्जेंट ग्रुप था उसमें वो अपना अपना वसूली करता था। और मुझे ये भी बात कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि उस समय जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे वो भी टैक्स देते थे इंसर्जेंट ग्रुप्स को। तो स्थिति ये थी 96 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मैं 2021 में गुवाहाटी गया, मुझे वहां एक संबोधन के लिए बुलाया गया था और मेरे साथ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भी थे। हम जिस रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वहां हमसे एक सज्जन मिलने आए और उन्होंने कहा देखिए मैं एक व्यवसायी हूं और मैं बिजली के टावर्स लगाने के का काम करता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने कोई 100 से ऊपर बिजली के टावर्स लगा है नागालैंड में और मुझसे मुझसे किसी ने फिरौती नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अभी नॉर्थ ईस्ट इतना शांत है और इतना वहां का जो वातावरण है सुरक्षा का वातावरण इतना अच्छा है, तो पता नहीं साहब ये किसकी नजर लग गई है। क्योंकि मैं अभी तक ये मान रहा था कि इस वर्तमान सरकार की अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो नॉर्थ ईस्ट है। और जितनी भावनात्मक एकता, जितना वहां पे आपने डेवलपमेंट अभी देखा था, हम लोग देख रहे उस ये अभूतपूर्व है भारत के पोस्ट इंडिपेंडेंस इतिहास में। और हाँ, इतना भी मैं जरूर कहूंगा कि जो विपक्षी पार्टी है आप जानते हैं, अगर उनको सबसे बड़ा कोई दुख हुआ है तो उनको ये भाजपा के जो इनरोड्स हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में उससे हुआ है, क्योंकि वो अपने
वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज हैं, और हमेशा से वो सोचते थे कि एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इनका रहा है मैडम सोनिया गांधी का, पोप पोप सोनिया गांधी नॉर्थ ईस्ट, और या इस तरह का एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप रहा है। तो उन्होंने शायद ये सोचा कि इस त्रिकोणीय रिश्ते पे कोई प्रहार हुआ है, राजनीतिक प्रहार हुआ है। तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी अभी तक, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन उसके बाद से आपने देखा कैसे मार्च के बाद से हिंसा भड़क उठी और 140 लोग इस हिंसा में मारे गए हैं, 340 वो हैं वो घायल हैं, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, 158 मंदिरों को तोड़ा गया है, सॉरी चर्चेस को 83 चर्चेस को तोड़ा गया है, और 4,000 से ज्यादा जो आर्म्स है वो लूट लिए गए हैं। अब लेटेस्ट वातावरण आंकड़ा ऐसा जो है, है वो लेटेस्ट आंकड़ा बताते हैं कि 121 चर्च और 17 मंदिर हैं। सॉरी 158 माइताई विलेजेस एंड 83 क्रिश्चियन विलेजेस, और आपका जो आंकड़ा है वो तकरीबन वो सही है, लेकिन मैं कह रहा था 4,000 4,000 हथियार लूट लिए गए हैं, और सुनने में आया है, इट्स नॉट कंफर्म्ड, कि शायद 1,000 आर्म्स सरेंडर हुए हैं अभी तक, लेकिन 3,000 आर्म्स जो मेरी आखिरी जानकारी मेरी थी उसके 3,000 अभी भी रिकवर होने बाकी हैं। हालात यहाँ तक हैं कि लोगों ने अपने घरों के आगे अपने इलाके में प्राइवेट बंकर्स बना लिए हैं, और आर्म्स लूट का तो ये माजरा रहा कि जो कुकी एरिया में है वहां जो पुलिस जो थी वो उन्होंने कुकीज को छूट दे दिया आर्म्स लूटने की, और जहां पर मैतई का एरिया है वहां मैतई के वहां पुलिस ने मैतईज को पूरी छूट छूट दे दी, और पुलिस बिल्कुल प्रजातीय तौर पे बिल्कुल विभाजित है। और अब देखिए सेवेंथ मणिपुर राइफल्स, इंडिया रिजर्व ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सारा इंडिया रिजर्व बटालियन ट्रेनिंग सेंटर पुलिस ट्रेनिंग सबके आर्म्स लूट लिए गए। कुछ इल्जाम कुकीज द्वारा माइताई द्वारा ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कि असम राइफल्स जो है उनका भी झुकाव कुकीज की तरफ है। तो इस तरह के मतलब एक एक प्रजातीय तौर पे पुलिस और मिलिट्री फोर्स, ये जो पैरा मिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स, उस पर भी ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि असम राइफल्स इज द ओनली पैरा मिलिट्री फोर्स इन दिस कंट्री। हम लोग सीआरपीएफ बीएसएफ को पैरा मिलिट्री कहते हैं, दे आर नॉट पैरा मिलिट्री फोर्सेस, दे आर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये लोग बिल्कुल लोगों लोग 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 बहुत गलत फहमी करते हैं, और अखबार अखबार में भी ऐसी चीजें लिखी, असम राइफल्स इज द ओनली पैरा मिलिट्री फोर्स इन दिस कंट्री। अब आपको मालूम है कि 2008 में आपने शुरुआत में कहा कि ये कुकीज के साथ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस किया गया था, और जिसमें कि 2018 में अब नहीं, हाँ 2018 में सॉरी, तो उसमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस था। अब इन लोग का ये कहना है कुकीज का मैतेईज का कि ये जो लोग जिनके खिलाफ आपने केएनओ वगैरह के खिलाफ जो आपने के संदर्भ में आपने जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, तो वही लोग सबसे ज्यादा इस हमले में सक्रिय हैं, और ओवरऑल माहौल ये है दीक्षित साहब कि कौन रक्षक है और कौन भक्षक है आज मणिपुर में ये तय करना मुश्किल है। 114 कंपनीज सेंट्रल फोर्सेस के, 184 कॉलम्स ऑफ द आर्मी, ये सब डिप्लॉय हुआ है, लेकिन अभी भी वो जो जो दुश्मनी जो जो थी वो अभी भी बहुत ज्वलंत है। उसमें कोई उसमें
उतना फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, स्थिति पहले से कहीं बेहतर है और इस पूरी घटनाक्रम को समझने के लिए आप जो मणिपुर की जो भौगोलिक और प्रजातीय बनावट है उसको जानना जरूरी है। ऐसा है कि मणिपुर के दो हिस्से हैं, एक है घाटी जिसको इम्फाल वैली कहते हैं और दूसरा जो है सराउंडिंग जो हिल एरियाज है। प्रजातीय बनावट इस प्रकार है कि घाटी में माइताई लोग रहते हैं जो प्रीडोमिनेंटली हिंदू हैं और चारों तरफ उनके क्रिश्चियंस हैं। और बाकी आप अगर भौगोलिक स्थिति देखें या जियोपॉलिटिकल उसकी लोकेशन देखें तो आपको मालूम है कि नॉर्थ में नागालैंड है, साउथ में मिजोरम है। नागालैंड इज ऑल्सो 75% क्रिश्चियन, मिजोरम इज 90% क्रिश्चियन। यहाँ पर भी लगभग 45 से ऊपर है इनके इनकी संख्या। 41 और ईस्ट जी और वेस्ट में आपको मालूम है ये कचार हिल्स है आसाम का। और ईस्ट में दे हैव ऑलमोस्ट 398 का 400 किलोमीटर बॉर्डर विथ विथ म्यांमार। तो उस म्यांमार बॉर्डर के उस पार भी ये क्रिश्चियंस हैं। तो ये बनावट है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि अगर कुल एरिया देखें तो 22,327 स्क्वायर किलोमीटर मणिपुर स्टेट का एरिया है। घाटी है वो 11 11% है, बस केवल 11% पूरे इलाके का। और इस 11% में 57% 57% लोग रहते हैं और बाकी 89% जो है वो मैंने बताया वो हिल्स है, पहाड़ी इलाका है जिसने चारों तरफ से घेर रखा है इसको, इम्फाल वैली को। उसमें उस 89% में 43% जो है वो क्रिश्चियंस है। तो 11% एरिया में 57% और 89% एरिया में 43%। और अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो घाटी में 44 लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के सीट्स हैं और पहाड़ों में 20, आधा उसका। तो ये हमेशा ये मैतई लोग पे कुकी लोग इस बात का अपना रोष जमाते हैं कि क्योंकि ये इनके पास सीट्स ज्यादा है इसलिए जितनी सरकारी योजनाएं जो होती हैं और सरकारी फायदे जो होते हैं वो मैतई को जाता है। तो ये तमाम ये लगता रहता है। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि 1960 में एक मणिपुर लैंड एक्ट वो किया गया था और आपको मालूम है आर्टिकल 371C भी है वहां पे। और मणिपुर लैंड एक्ट के मुताबिक जो हिल्स के रहने वाले हैं वो तो घाटी में जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमारे मैतई भाई हैं वो लैंड नहीं खरीद सकते हैं हिल्स में। अब वो कह रहे हैं कि हमारा भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम जाए तो जाए कहाँ। वो कह रहे हैं हमें तो घुटन सी महसूस हो रही है, हम बिल्कुल चोक हो के रह गए हैं। तो ये है एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब मैतई लोग कहते हैं कि भाई हमको तो ब्रिटिश ने एसटी स्टेटस दे रखा था। ऑफर किया था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था 1933 में। हाँ, उन्होंने कहा था कि दे वर ट्रीटेड एज दिस इज व्हाट दे से। और देवर फॉर्मली ऑफर्ड इन 1933, अच्छा उस टाइम इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। देवर वेरी प्राउड हिंदूज। जी। तो कुकी अब कुकी लोग क्या है कि इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है और ये हमारे यहाँ ये नहीं, ये तमाम फॉर्मुलेशन जो है ट्राइबल और ये दे जितने ही एंथ्रोपोलॉजिकल ऑल ये सब ब्रिटिश प्लांट्स है, समझे कि नहीं। कुछ कुछ इसके लिए करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्योंकि एसटी स्टेटस मिला हुआ है तो नौकरियों में ज्यादा है और आपने देखा भी होगा, हमने भी देखा है। मैं
मैं तो खुद देखता था कि फॉरेन सर्विस में भी और आपके सर्विस में भी ये मात्रा में ज्यादा हैं ये लोग बनिस्पत की मैतई से। तो 2012 से मैतई एसटी क्या डिमांड कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, हमको ये नौकरियों के लिए नहीं चाहिए, जैसे हमको नौकरी के लिए नहीं चाहिए एसटी का स्टेटस। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति, भाषा, पहचान पे लगातार मिशनरीज का प्रहार हो रहा है, और हमारे हालात ये हो गई है कि 1951 में हमारी पॉपुलेशन 59% थी, अब वो कहते हैं कि घट के 43% हो गई है। अगर आप जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 2000 सेंसस के मुताबिक वैली की जो वृद्धि दर है वो 16% है, और हिल्स पहाड़ों की जो है वो 40% है। तो अब ये जिसमें फोर्टी बहुत परसेंट सारा इलीगल माइग्रेशन भी है शायद। जी, सर, तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें माइताईज हैं, नागाज हैं, जोमीज हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर ये सडन, ये स्पर्ट कैसे, इतना तेज वृद्धि दर कैसे, क्यों? तो वहां पे म्यांमार से कई लोग आ रहे हैं, आपके बांग्लादेशी भी आ रहे हैं वहां से, तो इस मिजोरम से भी लोग आ रहे हैं। तो एक इन्होंने एक अपना वहां पे एक ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को रोकने के लिए ये इन्होंने एनआरसी का ये डिमांड बड़ी पुरजोर तरीके से मैतई लोग कर रहे हैं। अब आपने जैसे कहा कि इमीडिएट कॉज जो है, आपको मालूम है इमीडिएट कॉज क्या है, वन ऑफ द कॉजेस का है कारण, या हाई कोर्ट ऑर्डर है, हाई कोर्ट के पास लोग गए इन्होंने एसटी डिमांड को लेके, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप देखिए, आप प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द हाई कोर्ट सेड। अब इसके खिलाफ में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ATSU, ये पूरे इन्होंने ब्लॉकेट करना शुरू कर दिया, हिंसक प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया, और ये कहने लगे कि अगर इनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला, तो ये तो जमीनें हमारी ये खरीदने लगेंगे। तो अभी तक ये जमीनें खरीद रहे थे घाटी में, तो इनको कोई समस्या नहीं थी। अब ये तो मैंने आपको ये अभी ये कुछ पहलू बताए, लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाएंगे संजय साहब, तो ये है, ये जो आप पूरी समस्या देख रहे हैं, ये इतिहास का टकराव है, इट इज क्लैश ऑफ हिस्टोरिकल फोर्सेस। अब मैतई लोग जो है वो सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी, और इनका बड़ा लंबा इतिहास है। तो महाभारत काल से इनका उल्लेख मिलता है। जी जी सर, जी सर, वो तो वो चित्रांगना वाला तो है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके रंगना बाद जी से अगर आप, हाँ, तो हम आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी जाए अगर, तो आपको उसमें 8th सेंचुरी AD से वहां की जो राजशाही परिवार है वो बिल्कुल 8th सेंचुरी से कायम है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और लंबी राजशाही परिवार है, मतलब इतनी निरंतरता किसी राजशाही परिवार की नहीं है हिंदुस्तान में, और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध। 1919 में मैं आपको बता दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर सिलहट में एक प्रोग्राम देखने गए थे, और वो मणिपुरी डांस से इतने प्रभावित हुए कि गुरु एक थे बुद्धि मंत्र सिंह, उनको शांति निकेतन में बुलाया, और एक बाजाबता एक फैकल्टी उन्होंने एस्टैब्लिश की शांति निकेतन में मणिपुरी डांस की। और कहते हैं कि मणिपुरी डांस भी जो हमारे साथ जो नाट्य शास्त्र है उससे उस परंपरा से लिया गया है। दूसरी बात कि ये जो पोलो का खेल है, मणिपुर के पोलो हॉर्सेस बहुत फेमस हैं वहां पर, आपको मालूम है, अभी अपने अमित शाह साहब गए थे तो वहां पर एक एक आवरण भी किया था वहां पे मूर्ति का। और कहते हैं कि दुनिया, सारी दुनिया में पोलो का जो खेल है वो मणिपुर से ही गया है, शेष भारत से इनके 14वीं शताब्दी से तक तो बहुत मतलब इंटेंस इनका आदान प्रदान था। कई राजकुमारियां दक्षिण, इवन साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से इनकी शादियां होती थी,
उत्तर प्रदेश से ये लाते थे राजकुमारियों को। और आपको मालूम होगा कि जो सचिन देव बर्मन के जो पिताजी जो थे वो त्रिपुरा के राजा बनने वाले थे, और सचिन देव बर्मन की जो माता थी शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ मणिपुर। तो एक बड़ी समृद्ध इनकी संस्कृति रही है। और ये क्या था, स्ट्रैटेजिक सामरिक रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको याद होगा कि नो पहला जो बर्मा वॉर हुआ था 1824 से 1826 तक, तो ब्रिटिश ने लोअर बर्मा को, ये यांगोन वाला जो इलाका है उसको कैप्चर किया था। लेकिन अपर और मिडिल म्यांमार था वो अभी तक वो उसको नहीं कैप्चर कर पाए थे। फिर 28 साल के बाद उन्होंने 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ तो उसको कैप्चर किया। लेकिन जब तक कि वो अपर म्यांमार कैप्चर नहीं हुआ था उस समय तक मणिपुर की जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा थी। वो एक 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 तरह का एक एक फॉर्म बेस था जहां से ऑपरेशंस करते थे। तो इसलिए इन्होंने उस मणिपुर का जो मणिपुर का इलाका है उसको प्रोटेक्टरेट बनाया था अंग्रेजों ने। अब जब ये उन्होंने अपर म्यांमार कैप्चर कर लिया तो थोड़ा डिक्लाइन होने लगा, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का तवज्जो थोड़ी मिलना जो वो कम हो गई। फिर ये छेड़छाड़ करने लगे वहां से, तो इनके संस्कृति से और इनके मतलब वो राजनीतिक रूप से जब छेड़छाड़ इन्होंने शुरू की तो ये दखल अंदाजी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और 1704 में एक राजा थे पीतंबर चरियोंगा, उन्होंने मणिपुर को एक हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया था। 1704 में उन्होंने हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया था। जैसा मैंने कहा उनका नाम था पीताम्बर चेरियोंगा, और हिंदू स्टेट रिलीजन बनाया। 70% से ज्यादा वहां पे लोग वैष्णव हिंदू थे, क्रिश्चियंस का तो नामो निशान नहीं था। कुकी नागा जो थे वो भी प्रकृति के पूजक थे। ये जो हम बताते हैं ना कि उनकी एनिमिस्ट, कोई, एनिमिस्ट बोलते हैं। हाँ, ये लोग, ये सब एक गलत टर्मिनोलॉजी, ये वो प्राकृतिक पूजक थे हमारे आदि, एंड वेरी अकिन टू द हिंदू ट्रेडिशंस ऑफ वर्शिप, ठीक है ना। इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया ये क्रिश्चियन मिशनरीज को, लेकिन 1851 में आपको मालूम है युद्ध हुआ। इन्होंने जो वहां के एक टिकंदरजीत सिंह थे उन्होंने तो इनको टिकेंद्रजीत खदेड़ सिंह जी, के टिकट दे उसको खदेड़ के भगा दिया था। तो वीर जब टिकेंद्रजीत ये मार्ग भी है दिल्ली में। जी, हाँ, अब दुर्भाग्य की बात है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो 1891 में टिकंदरजीत सिंह ने इनको मार के भगा दिया था। वो जो कुलचंद्र सिंह जो राजा थे उनके भाई थे और सेनापति भी थे। अब अंग्रेजों को ये बात उनको ये लगी कि अगर इस पर हम कब्जा नहीं कर पाए तो हमें हिंदुस्तान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो रजवाड़े थे, बाकी प्रिंसिपैलिटीज थे, उनको ये लगा कि एक छोटे से राज्य ने इनको खदेड़ के भगा दिया अंग्रेजों। तो बड़ी तैयारी के साथ फिर इन्होंने हमला किया और उस पर वो अपना फिर से अपना वो शासन स्थापित किया। और उस समय एक मिशनरी आया जिसका नाम था विलियम पेटिग्रू। अब ये विलियम पेटिग्रू जो है ये आया और धीरे धीरे धर्मांतरण शुरू किया। अब आप देखिए कि 1911 का जब सेंसस हुआ था तो क्रिश्चियंस की संख्या 0.4% थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक इट वॉज 0.04%, ओके। ठीक है ना। और दो 2100 साल के बाद इनकी संख्या हो गई है 40%, ठीक है। और इसके पहले आपको तो मालूम है एक वो अमेरिकन भी इस इलाके में आया था, एदोराम जटसन, जिसने
पूरे आउटर मेयर महार और इस इलाके में पूरे मतलब स्पेड वर्क जो है कन्वर्जन का उसने वो किया था। अब ये जो पूरी जो आप ये हिंसा देख रहे हैं इसको आप एक इट्स आल्सो क्लैश वर्सेस सनातन वर्सेस कॉलोनियल फोर्सेस। मैतेई जो लोग हैं वो सनातनी ताकतों से जुड़े हुए हैं और कुकी लोग जो हैं वो कॉलोनियल फोर्सेस जो है अंग्रेजों को अपना मालिक मानते हैं। आपने तो जानते ही कि वो नेहरू जो थे वो एक वर्नियर एल्विन जो थे वो बहुत नौटंकीबाज आदमी था। वर्नियर एल्विन वो ये गांधी के भी बहुत क्लोज आ गया था और अपने आप को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहता था, ठीक है ना। तो अब नेहरू ने उसके साथ एक समझौता किया वर्नियर एल्विन के साथ, और उस समझौते में ये था कि नागालैंड में साधुओं का एंट्रेंस नहीं होगा और मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। जी, वो तो बहुत प्रसिद्ध है आजकल, जो सबके पास जे वो जे जो जे जे है जे वो दिखाई पड़ती है। एक एक मिनट रोकूंगा तो आपको, मैं जरा जी थोड़ा दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, और आप हमें सहायता भी करें आर्थिक रूप से। आप इसको कंटिन्यू करें। बस एक चीज़ मैं और आपसे पूछना इसमें चाह रहा हूँ कि देखिए कि त्रिपुरा में भी एक राजशाही है, देववर्मन डायनेस्टी जो है त्रिपुरा की, वो भी बहुत जी पुरानी है, लेकिन उन्होंने अपने को पूरी तरह से संरक्षित रखा है, हिंदू धर्म को संरक्षित रखा है, और त्रिपुरा में एक समझिए कि उन्होंने मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होने दिया है, और उनको ट्राइबल रिकग्निशन है। तो फिर मैतेई को ट्राइबल रिकग्निशन देने में क्या समस्या है इनको? त्रिपुरा में उसी तरह की स्थिति है, त्रिपुरा में जो देववर्मन डायनेस्टी है और जो सारे जितने भी वो देववर्मन हैं नहीं, उनको तो रिकग्निशन है, यहाँ क्यों नहीं है? आपने बिल्कुल सही फरमाया और इसमें पोप का बिल्कुल डायरेक्ट दखल अंदाजी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब थोड़ा आगे जब चर्चा करूंगा तो इस पर मैं जरूर इस पर फोकस करूंगा। तो आपको मालूम है कि उसके बाद उसी समय जब ये वर्नियर के साथ इन्होंने वो किया तो वेरियर एलिवन, एक वेरियर अभी एलिवन। हाँ वेरियर एल्विन तो उसको अभी एक पेट्रियट का एक न्यूज़पेपर कटिंग चल रहा है उस समय का, ठीक है ना। तो उस समय एक बड़े साधु समाज के सेक्रेटरी होते थे स्वामी आनंद करके, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य वो उस न्यूज़पेपर उसमें चल रहा है आइटम में कि उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी मतलब ये जाती हुई है, अगर हमको जाने दिया जाता हमारे लोग साधुओं को तो शायद हमारा इंटीग्रेशन ज्यादा होता, भावनात्मक एकता एक होती। तो अलगाववाद का पहले बीज हमने वहीं पे बोया था, ये जान ले। और 1961 में आपने इनको फिर पद्म भूषण दिया। हाँ, और खैर जहां तक पद्म भूषण की बात है तो वो आपने तो देखा किस तरीके से वो ग्राहम स्टेन्स की बीबी जो थी जो मिशनरी का काम कर रही थी उसको भी पद्मश्री मिला, और वो मैडम टेरेसा जो थी उनको भी भारत रत्न दिया गया और उनको इंडिया का मदर बना दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो उनके अलावा कोई दयालु इतनी माँ पैदा ही नहीं हुई थी मैडम के अलावा। उसको तो तो खैर क्रिस्टोफर हिचेंस ने बहुत बुरी तरह से बेनकाब किया हुआ है। हाँ, तो मैडम टेरेसा को थोप दिया गया। यहाँ पे बापू थोपे जाते हैं, यहाँ पे मदर थोपे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। अब आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने घाटी में भी बहुत कोशिश की मिशनरीज ने इनको कन्वर्ट करने की। बहुत सारे मतलब इन्होंने प्रलोभन दे दिया, बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन ये उसमें उस जाल में ये फंसे नहीं क्योंकि इनकी सांस्कृतिक विरासत जो थी वो बहुत मजबूत थी मैतेई की। और इन्होंने भी रेजिस्ट किया, नागाज और कुकीज ने भी, लेकिन ये फिर वो प्रलोभन और ये धूर्त धूर्त धूर्तता और चतुराई के मिशनरीज के चतुराई के आगे वो उसके बाद भी ये सरेंडर कर गए
ज्यादा लड़ नहीं पाए या अपने आप को रोक नहीं पाए, रेजिस्ट नहीं कर पाए। अच्छा, ये अब आप देखिए, अब दोनों में फर्क क्या है? अंग्रेजों के प्रति जो रवैया है, मैताई का शुरू से अलग रहा है, कुकीज का अलग, अभी भी बिल्कुल उनकी सोच अलग है। अभी आपने पढ़ा होगा कि अंडमान में एक माउंट हैरियट, एक जगह, एक हिल है, उसको माउंट मणिपुर, उसका नाम बदला गया है। अब ये माउंट मणिपुर क्यों ऐसा, ये नाम बदला गया? क्योंकि जब, जैसा कि मैंने कहा कि जब 1891 में जब हमला हुआ था, तो सिकंदरजीत सिंह को तो इन्होंने फांसी लगा दी थी, लेकिन जो राजा थे कुलचंद्र सिंह, उनको काला पानी की सजा दी गई थी। और उस समय सेलुलर जेल नहीं बना था, तो इनको एक पहाड़ी पे ही रखा गया था। सो कुलचंद्र सिंह जो थे, अपने 22 लोगों के साथ वहां काला पानी अंडमंस में रहे, और इसीलिए वो जिस हिल पे वो रहते थे उसको मणिपुर हिल्स का वो उसका नाम दिया गया है। और देखिए संजय साहब, मैं आपको बता दूं, ये तिकेंद्रजीत सिंह, ये लोग, ये कुलचंद्र सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का ये हिस्सा थे, स्वतंत्रता संग्राम और ये स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत फर्क होता है। आंदोलन में क्या है, आज आप जंतर मंतर पर बैठ जाए, फिर कुछ दिन के बाद उठ जाए, यही तो एक काम किया इन्होंने 1920 से लेके 1947 तक, यही आंदोलन में होता था, फिर बीच में सरकार भी बना लेते थे। तो जी हम लोग ये स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन में फर्क डालना सीख लें, इसको समझ लें। वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम किया था, वो आंदोलनकारी नहीं थे, या जिसको आप आंदोलन जीवी आजकल कहा जाता है, ठीक है ना? तो मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि ऐसा लगता है कि मणिपुर और अंडमान का एक बड़ा, एक डिवाइन स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है। आपने देखा होगा, जैसा भी बताया मैंने, 1851 में कुलचंद्र सिंह को वहां सजा दी गई, फिर 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने वहां झंडा फहराया था, है ना? और फिर 14 अप्रैल को मणिपुर में मोयरंग, जहां आईएनए का हेडक्वार्टर्स था, वहां झंडा फहराया गया। अब ये सब जितने ये मैं बातें बता रहा हूँ, इसमें हम और आप कितना गर्व लेते हैं, मैतेई लोग भी इसमें बहुत गर्व लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें इसमें एक जो बात और बताई आपके जाती है, एक और बात कही जी। जाती है कि पंडित नेहरू का बड़ा एक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार रहा मेतेई और जो दूसरे मणिपुर के रहने वाले थे और नागालैंड के रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने नेताजी का साथ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैंने ऐसा तो पहली बार आपसे ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल बैठ रही है, और इस पर मैं और अध्ययन करूंगा। तो आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर वक्त। तो मैं कह आप रहा, नहीं, मैं जब इसमें हम आपने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो दे दिया, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ उसमें, क्योंकि आपने जी इसको आपकी डेस्क पे डील किया हुआ है, कि यहाँ जो सबसे खतरनाक इंसर्जेंसी थी वो तो मेतेई इंसर्जेंसी हुआ करती थी, जो एक आर्म्ड ग्रुप हुआ करता था प्रेपाक करके, आपको जी याद होगा, पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलाई पाक, प्रेपाक। तो ये प्रेपाक जो था ये सबसे खतरनाक इंसर्जेंट ग्रुप हुआ करता था, और ये मेतेई प्रधान था। आज भी आप देख रहे हैं कि जो प्रेपाक के जो कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वही इस समय मेतेई की डिफेंस में एक्टिव हैं, क्योंकि मेतेई जो थे वो सदैव से एक मार्शल रेस मानी गई है, तो
इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो कुकीज का अभी भी पूरा जमकर मुकाबला कर रहे हैं। और यद्यपि कुकीज के पास पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है उनकी सपोर्ट में है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि मैतेई कहीं से भी हल्के नहीं पड़ रहे हैं। जी आपका क्या, जी आपको क्या सोचना? मैं आपको बता दूं, जब आप नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बात करते हैं मणिपुर और नागालैंड के, खास करके मणिपुर को, तो एक बात याद कर ले कि तीन चीजें इम्पैक्ट करती हैं नागालैंड पे, ये मणिपुर पे। एक है वो, पहला है चर्च, दूसरा चाइना और तीसरा है ड्रग माफिया। ये तीन चीज। तो अगर आप मणिपुर घाटी में देखें, तो आप मणिपुर जितने आप ये माओइस्ट ग्रुप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप मतलब इतने सारे, देर मोर देन ए डजन, अगर डजन भी मैं मॉडेस्ट, ये अभी कुछ साल पहले तक ये हालात थे, ठीक है ना। और ये बहुत एक्टिव थे, ये मेन स्ट्रीम माओइस्ट के साथ भी इनका काफी काफी लगाव था। सो चाइना हैज बीन अ फैक्टर, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो आपने जो मैतई का वो किया, तो दैट कॉम्युनिस्ट फैक्टर वॉज देयर। द चाइनीज, हम लोग को सब मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में कितना एक्टिव थे चाइनीज लोग। तो हम आते हैं इस पे, ये चर्च और राष्ट्र निर्माण के ऊपर में। तो अब चर्च देखिए, ये पूरे मामले को किस तरीके से मजहबी जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, मजहबी, सामाजिक, संवैधानिक। इस पूरे मामले में आपने किसी हिंदू संगठन, किसी हिंदू नेता, किसी का आपने रिएक्शन सुना है? लेकिन जो, और जबकि मंदिरें भी बर्बाद हुई हैं और चर्च भी बर्बाद हुआ है, लेकिन आपने किसी हिंदू संगठन, हिंदू नेता से आप नहीं सुना। इसके विपरीत आप चर्च का देखिए, छोड़िए यहाँ का तो छोड़िए, जो भारत जो मुखिया है कई चर्चेस के, यहाँ पे पोप तक को उन्होंने अर्ज किया है कि भैया आप इसमें दखल अंदाजी कीजिए। अब एक मणिपुर बैप्टिस्ट चर्च का है, जुकामांग दाइमाई, वो कह रहा है ईसाई खौफ में जी रहे हैं, माइनॉरिटी लोग हाइडिंग में हैं। अब दीक्षित साहब बताइए, हाँ ये भी कहा कि माइताई जो है वो नहीं चाहते कि दूसरे आगे बढ़े, दूसरे एक्सेल करें। उस अब 43% को आप माइनॉरिटी कहेंगे? डू यू लेबल 43% ऑफ पॉपुलेशन इज माइनॉरिटी? बेंगलुरु का आर्क बिशप एक पीटर मचाचो, उसने कहा कि क्रिश्चियंस का जो है नरसंहार हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है। एक लड़की है लाइसी प्रिया कंगुजम, ये 11 साल की लड़की है, और इसको लोगों ने ग्रेटा थंसबर्ग के तौर पे इसको खड़ा किया है। ये जगह जगह जाती है और भाषण देती है इस पे, पर्यावरण पे, ठीक है ना। अब ये भी पोप के पास पहुंच गई और वहां पर उसने पोप से अर्ज किया कि आप इसमें दखल अंदाजी कीजिए। तो ये सारा गेम आप इसको समझिए। और मैं आपको एक इसमें बात, मैं आपको यहाँ रोकूंगा थोड़ा। मेरे को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल की दृष्टि से मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे मणिपुर में लगभग इम्फाल को छोड़ के, इम्फाल वैली से AFSPA तो काफ़ी पहले हटा लिया गया था, इम्फाल सिटी से, उसके बाद धीरे धीरे और भी हटाया गया था, लेकिन मणिपुर के बहुत सारे क्षेत्रों में AFSPA लगा हुआ था और वो पूरा का पूरा जो हटाया है वो 6-8 महीने हुए हैं उसको। तो ये वापस इतना डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सरकार AFSPA वापस क्यों नहीं लगाती? क्योंकि AFSPA यदि नहीं लगाया जाएगा तो जो असम राइफल्स है वो भी एस्कॉर्ट सर्विसेज के अलावा कुछ और नहीं कर पा रही है, उसके पास कोई अधिकारी नहीं है। वो कैसे जो है नहीं, AFSPA के एब्सेंस में किसी तरह का एक्शन डायरेक्टली ले सकती है? उसको तो काम जो है वो सिविलियन के अंडर में ही करना पड़ेगा। आप बिल्कुल आपने सही फरमाया। और आपने देखा होगा कि AFSPA को हटाने के लिए जितने तरह के ड्रामे, नौटंकी जो मणिपुर में की गई थी,
वो महिला क्या नाम था दीक्षित साहब, जो वो नाक में पाई पीता। एरोम एरोम शर्मिला, वो तो मैते ही थी। हाँ हाँ नो नो नो, बाय द वे देर आर माइटाइज हु हैव, मैंने बोला ना माओइस्ट भी हैं। अब अ स्मॉल परसेंटेज हैव आल्सो कन्वर्टेड, ये वेरी भी मैं फ्यू, आपको वेरी बता फ्यू। दूं। मैं गया वेरी हूँ फ्यू। इम्फाल, गया हूँ मैं इम्फाल हाँ मोरे, हाँ और ये मैं हाँ मोयरांग वगैरह गया तो हूँ, लोकतक में और गया मैंने हूँ। मैंने आपको बताया कि वहां माओइस्ट का काफी वो था। मैंने कहा ना दर्जनों से ज्यादा है वहां पर ये है। एंड नॉट ओनली दे आर एक्टिव इन मणिपुर, दे आर एक्टिव इन द इंडियन मेनलैंड ऑल्सो। तो ये आप जो, तो मैंने पूरे स्टेट से नहीं हटाया गया है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूरे स्टेट से कुछ 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 इलाकों में अभी भी है। लेकिन हुआ क्या है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा कि अभी क्या हो रहा है कि ये लोग एक्शन कर रहे हैं जिस एरिया में AFSPA नहीं है वहां पे, और फिर भाग ये इधर एक्शन करते हैं उधर भाग जाते हैं वो जहां पे नहीं है, ये चल रहा है। सो आई थिंक इट वाज, ये इट वाज नॉट अ वेल कंसिडर्ड डिसीजन। ये इसके उसके दुष्परिणाम जो है वो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना सर। और एक बात मैं आपको बताऊं, जहां नेशनल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की सवाल है, तो नो नो प्राइस इज बिग एनफ, ये लोग जान लें। और जो फ्रांस में हो रहा है उससे भी थोड़ा सीख ले लें, ठीक है ना, कि नो प्राइस इज बिग एनफ। अभी अभी भी खैर मैं उस तरफ डाइग्रेस नहीं करना चाहता। अब साहब, अब ये है, आप बताइए पीड़ित कौन, ठीक है। अब पूरी घाटी जो मैंने कहा वो हिल से सराउंडेड है, डोमिनेटेड बाय द कुकीज। एक ही रोड है सर, NH2, जो लिंक करती है पूरे जी कंट्री हाँ, को। हाँ नॉर्थ ईस्ट में नागा हैं और हाँ नॉर्थ हाँ वेस्ट में और पूरे साउथ में कुकीज हैं। और ये NH2 को हर छोटी बात के लिए ये ब्लॉकेट कर देते हैं। और जब ये ब्लॉकेट करते हैं तो इनको कोई इनके दिल की तकलीफ नहीं होती है कि इनके मैतेई भाव ये घाटी में रहने वाले लोगों को कितना तकलीफ नहीं, हो रहा ये है। तो बहुत पुराना इनका है, तो आप 3-4 साल हाँ? पहले याद करें, कोई 3-4 महीने तक बंद रखा था इन्होंने घाटी को, ये जी, 2018 तो19 की ये बात हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पीड़ित पीड़ित तो कुकी ये सॉरी मैतेई लोग हैं। अब आपको असली बात में, एक और बात में जो आपको बताया मैंने, ड्रग माफिया, अफीम की खेती बहुत जोरों से बढ़ रही है वहां पे। एक आंकड़े के मुताबिक 18,500 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है। ये इलाका जो है गोल्डन ट्रायंगल का एक एक्सटेंडेड हिस्सा बन चुका है, और जी गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा बन चुका है। ये पूरा उखरुल, सेनापति, चूरा चांद, पूरे पूरा इलाका, मतलब ये इट इज इन्फेस्टेड विथ यू नो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। एक ड्रग ट्रेड का मेजर ये केंद्र बन चुका है। 19% जो ड्रग अब्यूजर्स हैं मणिपुर में, एक आंकड़े के मुताबिक दे रहे HIV पॉजिटिव। अब ये बेचारे ये अपने एन बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, ये इन्होंने कार्यक्रम निकाला, इन्होंने लोगों को बोला कि भाई OPM का ये खेती बंद करो, ये तबाह हो रहे हो, तुम भी तबाह कर रहे हो, स्टेट भी तबाह हो रहा है। इनको रबी क्रॉप का सीड्स इन्होंने खुद, मतलब इन्होंने एक अभियान चलाया उसको उसको बांटने बांटने के लिए। 38 विलेजेस जहां पे ये OPM की खेती इन्होंने पेड़ काट के वो कर रहे थे, उसको रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी से इन्होंने उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कैटेगरी से उसको हटा दिया, ठीक है। तो ये सब का भी एक बहुत बड़ा रोष है, ड्रग माफिया भी इसमें बहुत इन्वॉल्व है। इसमें जी हाँ, सक्रिय है। और मैं जी आपको बता दूं, पोप का देखिए, पोप का यहां तक इंटरवेंशन है कि मुझे याद है एक अरुणाचल में एक मुख्यमंत्री होते थे जेरिबॉम गैमलिन। अब वो गैमलिन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं बिल्कुल
फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि किसी यहाँ के जो जो आपने देखा है ना, जो अरुणाचल का एक पोर्शन जो इधर इसमें नागालैंड में आता है, जी जिसको तिरप सेक्टर बोलते हैं, तो तेरा तिरप सेक्टर, हाँ तिरप सेक्टर से 7 MLA चुने जाते हैं जो नागाज हैं और सारे के सारे क्रिश्चियन। तो इन लोगों ने वहां से कंप्लेन किया मिशनरीज ने कि ये हमको कन्वर्जन में हमको मदद नहीं कर रहे हैं, बाधाएं पहुंचा रहे हैं। तो पोप ने मैडम को फोन किया दिल्ली, और मैडम ने फिर ये 7 MLA को लेके रात रातों रात इस मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया। तो ये है पोप का ये। जी। अब अब आइए, समय बहुत हो गया दूसरा, है, तो हम थोड़ा नहीं दर्शकों से एक मिनट, रिक्वेस्ट करेंगे। एक मिनट, नो नो, 1 मिनट, 1 मिनट। आई जस्ट आपको मालूम है कि मणिपुर का सामरिक जो महा ये साउथ ईस्ट एशिया, आप जैसे आप जानते हैं कि ये इट इज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया जी हाँ, और द मुरे से होगी एशिया। तो रोड बन रही हो थाईलैंड ठीक वाली। है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत ही ये क्रिटिकल स्टेट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। और अगर आप पूरी नक्शे को देखें, अच्छा ये जो ट्राइलेटरल हाईवे जो बन रहा है फ्रॉम इंडिया म्यांमार थाईलैंड, वो मोरे को होके गुजर रहा है, ठीक है ना। हाँ, मोरे से जा रहा है। और जी, और बे ऑफ बंगाल के इससे, बे ऑफ बंगाल में चाइनीज का एक प्रेजेंस है सिटवे पोर्ट पे, और वो चाहते हैं कि और इसको सशक्त किया जाए, इसलिए वो इसको डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं मणिपुर को। और आखिरी में एक ये पूरे एरिया में, इस पूरे रीजन में जो इंफाल वैली है वो वही एक पॉकेट है, एक हिंदू मेजॉरिटी पॉकेट है, आई वुड से एक बीकन है। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। अपनी बात में यही खत्म करता हूँ, जी, मैं दर्शकों के प्रश्न प्रश्न अब हम ले लेते हैं। आइए, दे। पहला प्रश्न आ रहा है, जे बीजेपी इस चुप्पी साइलेंस की पीड़ा, मोहनदास हीरा में हिंदू सिख ने व्यक्ति कहलाई साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, वही चुप्पी दामोदर दास हीरा इस अमृत काल। नाउ इट्स ए स्टेटमेंट, नॉट अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, जे बीजेपी चर्च टेम्पल नंबर कांट बी ट्रस्टेड ऑन मीडिया बायस, ऐसा मेहते ही हल्के नहीं पड़ते हैं, आपको बताया ना मैंने। जे बीजेपी जी, ये मत सोचिए आप, ठीक है, चूरो चंद्रपुर में वो माइनॉरिटी में थे तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगा। नेक्स्ट, मौलाना 1.5 क्विंटल रशीदी, गुरुजी एन आर एस एन जी, मेघालय मिजोरम एंड नागालैंड आर कन्वर्टेड कम्प्लीटली, त्रिपुरा एंड मणिपुर आर नेक्स्ट। नो, त्रिपुरा में देर इज नो कन्वर्शन, विदाउट एफ एस पी ए देर विल नॉट बी एनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन फ्यूचर, दिस ST स्टेटस थिंग इज एन आई वॉश। मेरे ख्याल से हम इसके विवेचन कर चुके हैं, आप और कुछ कहना चाहें तो। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं कि सोल्यूशन क्या है एक, तो मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था, मुझे याद है कि कन्वर्जन तो क्रिश्चियन थियोक्रेसी का हिस्सा है, तो अगर उनका हिस्सा है तो एंटी कन्वर्जन भी हमारा हमारा हक है, ठीक है, तो हमको जी भी उतना बिल्कुल, ही एग्रेसिव होना चाहिए। 100% घर वापसी करेंगे हम। नेक्स्ट, बिल्कुल मौलाना 1.5 क्विंटल रशीदी जी, वन मोर कांग्रेस यूपीए टर्म इन सेंटर, भारत का और एक विभाजन, क्रिश्चियन एजुकेशन फॉर हिंदूज एंड मदरसा एंड मुल्लाज विल वाइप आउट आवर संस्कृति। वेल, इट्स अ स्टेटमेंट अगेन, इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। नवनीश सर, जब आप भी पोप की चरण वंदना करेंगे, साथ में जियादियों के साथ दस्तरखान पर बैठेंगे, तो इनडायरेक्टली परमिशन है हिंदुओं के नरसंहार की, इनको दुश्मनों से तारीफ श्रवण करने का व्यसन भी है जी। एनी कमेंट्स? नहीं, देखिए नैरेटिव तो बदल रहा है अभी, जिसको आप मदर मदर बुला रहे थे तो मैं उनको मैडम बोल रहा हूँ ना, अभी मैडम बोलना शुरू कीजिए, नहीं तो पहले आज से 10 साल पहले तो इस पर बहुत रिएक्शन हो जाता कि ये कितना गंवार अनपढ़ आदमी है, देखो कितना कम्युनल है, लेकिन आज मेरी बात लोग समझ रहे हैं, तो जी इसी नेक्स्ट, तरह से
मौलाना 1.5 क्विंटल रशीदी, वी सॉ इन फ्रांस यूएनएससी सीट, न्यूक्स टेक्नोलॉजी वॉन्ट हेल्प इफ डेमोग्राफी चेंजेस, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में मुल्ला एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रोथ देखना सर। हाँ भाई, ये तो हम बात कर रहे हैं, जरा मणिपुर की भी बात कर लीजिए ना मौलाना साहब, पूरे भारत की बात आप कर रहे हैं, मणिपुर की नहीं कर रहे। मौलाना जी अगेन, इस्लाम, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, एथीज्म, फेमिनिज्म, वोकिज्म आर बी टीम्स ऑफ क्रिश्चियनिटी अगेंस्ट हिंदूज, एजुकेशन सिस्टम, मीडिया, नॉन बीजेपी पॉलिटिको इज विद देम। एनी कमेंट्स? नहीं, मैं मौलाना साहब आई थिंक अब ये बात इतनी गलत नहीं कह रहे हैं। ये कोई कोई ऐसे ही मौलाना फॉर द फन से किसने लगाया हुआ है, लेकिन बिल्कुल ये बात सही है कि फ्रांस एक, देखिए, इतने अच्छे जहाज बनाता है, द ओनली द सेकेंड कंट्री यू नो टू मेक एयरलाइनर्स, इतने अच्छे फाइटर जेट्स बनाता है, न्यूक्लियर पावर है, एवरीथिंग, आई मीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, लेकिन आज देखिए ये जल रहा है, पूरा फ्रांस जल रहा है, और ये किस काम से? इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने इंटरनल फ्रंट, अपने जब तक आप इंटरनल फ्रंट को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता है, और इससे हमको सीख लेने की जरूरत है। यू नो वी ओनली टॉक ऑफ, यू नो, हमारे 32 स्क्वाड्रन नहीं, हमारे पास इतने ही स्क्वाड्रन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने ही समय, दैट इज ओके, बट दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आज पूरा आप देखिए अंदर से किस तरह से कंट्री मतलब कोलैप्स कर रहा है, तो इसलिए ये बहुत कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, बोथ बोथ योर कल्चरल कंसोलिडेशन, आइडियोलॉजिकल कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मेजॉरिटी। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर के चक्रवर्ती, एसडी सर, इट सीन्स प्रेजेंट सीएम ऑफ मणिपुर हैज बीन प्रूवन एज एन इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर इन रीसेंट मंथ्स, डोंट यू थिंक इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इज नीडेड टू सॉल्व दिस ऑनगोइंग मैथई कुकी कॉन्फ्लिक्ट? ना, आई थिंक ये अनफेयर अनफेयर टू अनफेयर टू द चीफ मिनिस्टर। ही हाँ, उन्होंने जिस तरह से ये ड्रग माफिया को टेक ऑन किया है, और उनको मालूम था कि इसका कॉस्ट क्या होगा, and full marks to him for that. I think he has been a very brave person, aur ek aisa unhone issue take up kar liya jisko agar wo khali ignore karke chalte to badi aasani se kaam chal jata. I think he deserves and he deserves to have all our support, aur ye jo aap ye keh rahe hain, this is actually, I agree with Arishan Singh ji, it's very unfair to him. जे बीजेपी मेते ही लड़ सकते हैं, वीर हैं, अपनी रक्षा कर लेंगे। अरे आप क्या कहूँ मैं। आरएसएस सिंह जी, आप कुछ कहेंगे इसमें? इनको मणिपुर के बारे में पता नहीं जानकारी है या नहीं है, जानकारी होती तो फिर हम कुछ बात करते, लेकिन मुझे जैसे जो कह रहे हैं उससे लगता नहीं कि इनको मणिपुर के बारे में कोई विशेष जानकारी है। सारी बात तो खोल के रख दी आरएसएन सिंह जी ने शुरू में ही जी, तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, इसको विराम देंगे आज की चर्चा को। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल आरएसएन सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।